हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 10 to IT। क्या आप MPA ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट का सिलेबस 80% तक लगभग एक ही होता है, अतः यह वीडियो टर्नर, फिटर, मशीन तीनों ट्रेड के लिए अति आवश्यक है। आज हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सन 2016 का टर्नर का पेपर सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो का तीसरा पार्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 31वां प्रश्न, हाई स्पीड स्टील में मिश्रित अवयवों का सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला अनुपात होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोपोर्शन ऑफ एलॉय मेटल इन हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील का इसमें प्रतिशत या अनुपात पूछा है। हाई स्पीड स्टील होती है ऑप्शन ए 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम या 1% विनेडियम। ऑप्शन बी 18% क्रोमियम, 4% कोबाल्ट, 1% टंगस्टन। ऑप्शन सी 18% कोबाल्ट, 4% टंगस्टन, 1% क्रोमियम। ऑप्शन डी 18% वेनेडियम, 4% कार्बन और 1% कोबाल्ट। ऑप्शन ए इसका सही है, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम होता है। 32वां प्रश्न, माइक्रोमीटर के फ्रेम पर 0 से 25 का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए संदर्भ तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, स्पिंडल पिच की परिशुद्धता 25 माइक्रोन के भीतर है। ऑप्शन सी मापन रेंज 0 से 25 mm है। ऑप्शन डी मापन परिशुद्धता की गारंटी केवल 25 N तक मापन दाब के लिए होती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मापन की यह रेंज होती है, अतः इसका 0 साइज 0 mm होता है। 33वां प्रश्न, न्यूनतम सीमा तथा मूल आकार के बीच गणितीय अंतर को खालिस्तान कहा जाता है। इन एल्जेब्रिक डिफरेंट बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ऊपरी विचलन, ऑप्शन सी निचला विचलन, ऑप्शन सी मूलभूत विचलन, ऑप्शन डी वास्तविक विचलन। इसका आंसर है निचला विचलन, जिसमें निचला सीमा और मूल आकार के बीच गणित अंतर पूछा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 34वां प्रश्न, जिग का वह प्रकार जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए प्लेट जिग, ऑप्शन बी बॉक्स जिग, ऑप्शन सी पोस्ट जिग, ऑप्शन डी लेज जिग। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्लेट जिग, इसमें बेस प्लेट नहीं होती है। 35वां प्रश्न, वर्नियर पेपर प्रोटेक्टर का वह भाग जिसका उपयोग सामान्य रूप से कोण के मापन के संदर्भ में आधार के रूप में किया जाता है खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए प्लेट, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी डिस्क, ऑप्शन डी मुख्य पैमाना। इसका आंसर है ऑप्शन बी स्टॉक। 36वां प्रश्न, जैसे जैसे कटिंग स्पीड की वृद्धि होती है क्या होता है। ऑप्शन ए वर्कपीस को अधिक ऊष्मा पारेषित होती है तथा टूल को कम ऊष्मा पारेषित होती है। ऑप्शन बी चिप द्वारा अधिक ऊष्मा दूर ले जाई जाती है तथा टूल द्वारा कम ऊष्मा पारेषित होती है। चिप तथा टूल दोनों को अधिक ऊष्मा पारेषित होती है। ऑप्शन डी वर्कपीस तथा टूल दोनों को अधिक ऊष्मा पारेषित होती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी चिप तथा टूल दोनों में ऊष्मा अधिक प्रसारित होती है। 37वां प्रश्न, रफनेस ग्रेड नंबर N1 से N12 को 5 समूह में विभाजित किया जा सकता है तथा इस उपयोग में आने वाले चिन्हों के रूप में निरूपित किया जाता है। निम्न में से कौन सा चिन्ह सूक्ष्म सतह का संकेतक है। इसमें सबसे सूक्ष्म सतह पूछी है, तो चार उल्टे ट्रायंगल को सूक्ष्म सतह कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जबकि सबसे खराब सतह पूछते हैं तो ऑप्शन ए होता।
38वां प्रश्न, स्लिप गेज के मेजरिंग फेस की सफाई के लिए तरल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी कैरोसिन, ऑप्शन सी कार्बन टेट्राक्लोरोफिल, ऑप्शन डी विलेय तेल। स्लिप गेज की मेजरिंग फेस को साफ करने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही है। 39वां प्रश्न, वह आकार जिसके आधार पर बीमीय विचलन दिए जाते हैं खालिस्तान कहलाता है। द साइज बेस ऑन विच द डायमेंशन डेविएशन आर गिवन इज कॉल्ड एक्चुअल साइज, बेसिक साइज, मिनिमम लिमिट साइज, मैक्सिमम लिमिट साइज। इसका आंसर है बेसिक साइज। बेसिक साइज पर ही विमान के विचलन दिए जाते हैं। 40वां प्रश्न, BSW थ्रेड का कोण खालिस्तान होता है। द एंगल ऑफ BSW, इसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड भी कहते हैं। ऑप्शन ए 29 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 55 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। 29 डिग्री का जो कोण होता है वह एक्मे थ्रेड का होता है, 45 डिग्री बटर थ्रेड का होता है, वो जो 55 डिग्री होता है वही BSW का थ्रेड एंगल होता है, जबकि 60 डिग्री वी थ्रेड का कोण होता है। अतः इसका आंसर ऑप्शन सी 55 डिग्री है। 41वां क्वेश्चन, ग्रूविंग या रिलीविंग प्रदान करने के लिए जॉब को खालिस्तान के साथ घुमाया जाता है मीडियम स्पीड में, लो स्पीड में, या हाई स्पीड में, या वेरी हाई स्पीड में। इसका आंसर है लो स्पीड में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 42वां प्रश्न, टर्निंग टूल के शब्द क्रिएटर वियर का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए प्राइमरी कटिंग एज का कुंठित होना, ऑप्शन बी कटिंग पृष्ठ पर गुहा होना, ऑप्शन सी कम साइड क्लीयरेंस का कारण होना। इसका आंसर है कटिंग पृष्ठ पर गुहा होना, ऑप्शन बी। एक लेथ मशीन द्वारा तल को समतल बनाया जा सकता है यदि कटिंग टूल खालिस्तान गति करे। ऑप्शन ए वर्कपीस के घूर्णन की धुरी के समांतर वर्कपीस के धुरी के क्षैतिज 45 डिग्री के कोण पर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर क्षैतिज दिशा में घूर्णन की दिशा में चले टूल तो वह समतल फेस बना सकता है। 44वां प्रश्न, पतले चोंगे को आरी ब्लेड से काटने के लिए ब्लेड की सर्वाधिक उपयुक्त पिच है। फॉर द हैक शो थिन ट्यूब द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ ब्लेड इज 1.8 mm, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1.4 mm, ऑप्शन सी 1.0 mm, ऑप्शन डी 0.8 mm। इसका आंसर है 0.8 mm। 45वां प्रश्न, बाह्य थ्रेड के मापन के लिए थ्रेड स्नैप गेज का उपयोग किया जाता है। नो गो छोर के एनविल के रूप में होते हैं। ऑप्शन ए गो छोर की अपेक्षा थ्रेड संक्षिप्त तथा कम संख्या में शीर्ष तथा तली पर नुकीले होते हैं। ऑप्शन सी शीर्ष तथा तली पर गोल होते हैं। ऑप्शन डी गो छोर की अपेक्षा पूर्ण रूप तथा कम संख्या में। इसका आंसर है ऑप्शन ए गो छोर की अपेक्षा थ्रेड के संक्षिप्त कम संख्या में। क्यों? क्योंकि इसमें जो थ्रेड होती है वो पूरी तरह से जॉब में नहीं फिट होना चाहिए, इसी यही नो गो का सिद्धांत होता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।